नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अपने चैनल शुक्ला ट्रैक्टर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि किन तीन कारणों से प्रेशर ट्राली कभी कभी एक बैग नहीं उठती है। किन ये तीन कारण क्या होता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सर्वप्रथम पहले आपको दिखा दूं प्रेशर ट्राली क्या होती है, किस तरह होती है। ये जो पहली बार देख रहे हैं उनको ये जानना भी ज़रूरी होता है कि प्रेशर ट्राली किस तरह होती है, कैसे उठती है प्रेशर ट्राली। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए प्रेशर ट्रैक्टर के द्वारा प्रेशर पाइप लगी होती है। ये ट्रैक्टर के द्वारा प्रेशर पाइप के द्वारा अंदर जाके जो जग लगे होते हैं, जग के द्वारा प्रेशर के द्वारा जग को देखिए, ये इस जग लगा होता है ट्राली के अंदर। ट्राली के अंदर जग लगे होते हैं, अब जग को प्रेशर देकर ट्राली को उठाया जा सकता है। ये होता है प्रेशर ट्राली। ट्राली में यही जग जो होता है ये मेन होता है, इसी के द्वारा प्रेशर देकर ट्राली को उठाया जा सकता है। और देखिए इसमें डबल हिच होता है, इस ये एंगल लगा होता है, एंगल से कोई ज्वाइंट नहीं होता, एंगल खाली ऊपर रखा होता है और इसी ऊपर उठ जाती है ट्राली। ये होता है प्रेशर ट्राली के उठने की देखिए विधि। ये हो गया प्रेशर ट्राली उठने की विधि। अब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि किन तीन कारणों से प्रेशर ट्राली एक कभी कभी एक बैग नहीं उठती है। ये तीन कारण क्या होते हैं, ये देख लेते हो गया प्रेशर पाइप आपके अंदर जाके देखिए ये। अब ये हो गया ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर में किन तीन कारणों से प्रेशर ट्राली नहीं उठती, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये तीन कारण, देखिए स्वराज 744 ट्रैक्टर है, ये पुराना मॉडल का ट्रैक्टर है। अब जो नए मॉडल के ट्रैक्टर आते हैं उसमें अलग से पंप दिया होता है, देखिए उसमें अलग से पंप दिया होता है कि ट्राली आपको प्रेशर पंप अलग से बंधा होता है, उसमें कोई ये सब नहीं होता है। और जो ये पुराने मॉडल में होते हैं, ये पुराने मॉडल अभी ये देखिए लीवर होते हैं, लीवर के द्वारा ही प्रेशर को उठाया जाता है। अब उठाएंगे लीवर के द्वारा। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी ये प्रमुख कारणों में से एक कारण ये भी होता है, कभी कभी हमारा लीवर नीचे होता है, ये डीसी होता है नीचे होता है, जो जानकारी नहीं होता पहली बार या कम जानकारी होता, कभी कभी ज़्यादा पुराने होते भी उनको इतना जानकारी नहीं रह जाता, भूल दिमाग में नहीं आता है। डीसी नीचे होती है, पीसी से उठाते हैं। अगर हम डीसी नीचे है तो हमारा पीसी से काम नहीं होता है, हम उठाते हैं पर भी हमारी ट्राली नहीं उठती है, ये ट्राली उठती नहीं, उसी जगह पर रह जाती है। और लोगों को सोचा क्या होगा मेरी ट्राली में, ये होगा प्रमुख कारण। अगर हमें उठाने के लिए बीच में रहना चाहिए, डीसी को भी बीच में रहना चाहिए, अब हमें उठाने के अनुकूल हमारी लीवर हो गया है अब लीवर को। और दूसरा कारण क्या होता है, कभी कभी आयल की कमी होता है, गियर आयल जो होता है, गियर आयल हमारे इंजन में कम हो जाता है, इंजन की गियर आयल, तो हमारी भी प्रेशर काम नहीं करता है, कभी कभी उठाती नहीं है ट्राली, एक बैग उठाना बंद कर देती है। तो हमें गियर आयल को भी चेक करना चाहिए कि हमारा गियर आयल पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। अगर मान लीजिए गियर आयल आपका पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो गियर आयल को डालना चाहिए। गियर आयल के डालने के बाद भी आपकी अगर ट्राली नहीं उठती है तो आपको तीसरा कारण भी ढूंढना चाहिए कि तीसरा कारण क्या होता है कि हमारी ट्राली नहीं उठ रही है। अगर ट्राली नहीं उठने के तीसरा कारण भी ढूंढना चाहिए, तीसरा कारण क्या होता है। अब तीसरा कारण जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो हो गया फिल्टर। गियर आयल का जो आयल का प्रेशर हाइड्रोलिक फिल्टर होता है, देखिए ये जो हाइड्रोलिक फिल्टर होता है यहाँ से आयल को फिल्टर करके भेजा जाता है। अगर मान लीजिए आपका फिल्टर चोक हो गया है, ये फिल्टर जो होता है ये मान लीजिए आपका चोक हो गया है, ये 500 घंटे में बदला जाता है। कभी कभी क्या होता है बीच में भी चोक हो जाता है, बीच में अगर चोक हो जाएगा तो आपका प्रेशर पाइप नहीं काम करेगा। अगर प्रेशर नहीं काम करेगा हाइड्रोलिक ना काम करने के कारण आपकी प्रेस ट्राली नहीं उठेगी। तो तीसरा कारण जो महत्वपूर्ण कारणों में आता है वो हो गया हाइड्रोलिक फिल्टर। हाइड्रोलिक फिल्टर को भी देखना चाहिए कि हाइड्रोलिक फिल्टर मेरा सही है कि चोक हो गया है, तो चोक हो जाएगा तो आपकी प्रेशर नहीं काम करेगा, ट्राली नहीं उठेगी। तो सर्वप्रथम जो तीसरा कारण में से ये भी हो गया ये कारण। इसके अलावा अगर आपकी ट्राली तब भी नहीं उठे तीन कारणों के ढूंढने के बाद, तब आपको मैकेनिक के पास जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है हम लोग नहीं देखते हैं और मैकेनिक के पास चले जाते हैं, मैकेनिक अच्छी खासी बिल बना देते हैं ट्रैक्टर में, इधर उधर करेंगे और बता देंगे ये तीनों कारणों देखेंगे, खोज के और सही कर देंगे, 1-2 हज़ार रुपये की बिल बना देंगे। इसलिए हमें जो प्यारे दर्शक मेरे ट्रैक्टर रखे हैं या ट्रैक्टर चला रहे हैं उनको इस बात के ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इन बात का अगर ध्यान रखते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा मैकेनिक के पास जाना भी नहीं पड़ता है, आयल को देख रेख करना चाहिए, आयल की कमी पे ट्राली नहीं उठती है, लीवर हो गया, फिल्टर हो गया। और तीसरा जो चौथा होता है पाइप, पाइप में कभी कभी क्या होती है हमारी पाइप को सीधी रहनी चाहिए, कभी कभी ज़्यादा मुड़ जाती है, एक बार अगर मुड़ी हुई पाइप है देख लीजिए, जो पाइप लगी होती हैं
उन पाइपों को एक बार अगर मोड़ दिया जाता है तभी भी कभी कभी दिक्कत होने लगती है प्रेशर उठाने में, पाइप की फटने की संभावना बनी रहती है। कभी कभी देखिए पाइप की फटने की संभावना भी बनी रहती है। ये पाइप जो लगी होती हैं इनको एक बैग नहीं मुड़ना चाहिए। कभी कभी क्या होता है घुमाते एक बैग मुड़ जाती है, पाइप फटने की संभावना बनी रहती है, प्रेशर उठाने में दिक्कत आती है। इसलिए प्यारे दर्शकों में आपको दिखाने का मकसद एक ही है कि अगर आवश्यक थोड़ी दिक्कत पर अगर मैकेनिक के पास ना जाके खुद की देखभाल करके सही किया जा सके तो आपको खर्चा के साथ साथ टाइम की भी बचत कर सकते हो। मेरा ये वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है कि आप अपने जो ट्रैक्टर हैं ट्राली का देखभाल स्वयं करके मैकेनिक के पास कम जाके समय भी बचा सकते हो, खर्च भी बचा सकते हो और अपनी अच्छी कार्य भी कर सकते हो। तो प्यारे दर्शकों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से बताने की कृपया करें, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई महत्वपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दर्शकों जी।